फोन ठोका साला यार, तुम आए गए सर्विस सेंटर यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ मतलब कि बोल सकते बहुत गंदा वाला सीन हो गया था मेरे साथ, बहुत पहले हो गया था, बट तब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था वीडियो बनाने की। तो अभी अपन ये ब्लॉग को शूट कर रहे हैं, तो देखिए पहले क्या हुआ मेरे साथ। सो देखो यार, किसी ने तो मेरा इंडिकेटर का ऊपर का बल्ब भी तोड़ दिया, खींच के निकाल दिया, देखो पूरा। पता नहीं क्या हो गया यार, कैसे करते ये लोग। इधर का तो है, इधर का निकाल दिया, अब क्या करूँ मैं, इसको समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखते हैं अब एक शॉप पे जाते। ये देखो पूरा वर्किंग है, बट किसी ने तो तोड़ दिया यार, ये देखो कैसा है। और ये देखो बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। कौन ठोका साला यार, किसी ने जानबूझ के तोड़ा लगता है, साला जलता है, जलता है अपन से। देखते हैं अभी कल शोरूम में जाके। मतलब ना भाई, बहुत दिल से बुरा लगता है मेरे को, अभी रोना आ रहा है, बट क्या करें। अभी देखते हैं, मैं अभी एक दुकान वाले के पास गया था, बट वो बोला वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, आप सर्विस सेंटर जाओ, शोरूम जाओ, तो अभी कल उधर जाते हैं। सो दोस्तों, अभी अपने साथ जो हंसता हुआ है उसके कारण मेरे को रोना आ रहा है बहुत, तो अभी मैं दिखा नहीं रहा। और अभी अपने को भूख भी मर चुकी है अपनी, अभी कल सुबह शोरूम में जाके पता चलेगा अपने साथ क्या होएगा। बट कोई तो भाई ठोका है, कुछ किया है, कांड तो किया है गाड़ी के साथ, मेरे को याद है लास्ट राइड में भी कुछ नहीं हुआ था। सो जैसे कि आपने देखा क्या हुआ था मेरे साथ, मतलब कि मैंने गाड़ी को एक जगह थी हम लोग जहाँ पे बैठते थे वहाँ पार्क कर दिया था, और वहाँ से हम लोग होटल चले गए थे, तो उसका बर्थडे था, तो खाने के लिए गए थे, आए रिटर्न उसी टाइम पे हुआ था वो सब चीज़। वहाँ पे कोई तो गाड़ी को ठोक के चला गया और अपना जो इंडिकेटर है वो टूट गया भाई। बट गाड़ी का कुछ टूटा है तो भाई उधर रुक के कुछ तो करना चाहिए था, मतलब ऐसे ही छोड़ के चला गया। मेरे को उस दिन पता नहीं चला, मेरे को 3 दिन के बाद पता चला कि मेरा इंडिकेटर टूटा है, क्योंकि मैं बारिश के कारण देखना नहीं था गाड़ी आगे पीछे से, डायरेक्टली निकाल रहा था और जा रहा था। तो मेरे को जो पता चला भाई, बहुत दर्द और रुस रहा था, पर 2 बजे तक रोया भाई, सच में रोना आ रहा था भाई। गाड़ी अपने दिल के करीब है, तो ऐसा कुछ होता है तो भाई बहुत बुरा लगता है, और ना दिल ही टूट गया था उसके। तो कुछ नहीं, अभी क्या कर सकते थे, रोया, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ वो तो भाई अलग ट्रेजेडी है, चलो दिखाते। सो अभी अपन ने गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट पर डाल दिया है, और ये देखो ये प्रॉब्लम है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो गाइस, अभी अपन निकल चुके घर से, और भाई अभी उधर से आ रहे हैं, उधर पुलिस वाले थे ना, तो पुलिस वाले को हेलमेट नहीं, तो उसका उत्तर आ गया, फिर अपन इधर से जाते। ये लफड़े यार, इधर के इधर दो हेलमेट लगता है। चलो देखते अभी क्या होता है, भाई को लिया है भाई। अरे I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so to. भाई कई गंडो तो है वीडियो में बोलने दे भाई। भाई अभी अपन सर्विस सेंटर है, माफी यार, सर्विस सेंटर है, तो ये वाला कैप ये पकड़ माता हाथ, तो ये वाला कैप नहीं है, ये वाला बोलते ये पूरा अलग बिठाना पड़ेगा, और 350 का एक है भाई, 50 रुपये के लिए 350 नहीं भाई, नहीं चाहिए। अब देखते हैं अपन क्या होता है। तो जैसे कि आपने अभी तक वीडियो में देखा कि अपना इंडिकेटर टूटा था, और अपन गए थे सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर और शोरूम और सर्विस सेंटर अपने घर के पास में, तो अपन कभी भी उठ के उधर जा सकते उठा के। बट भाई सीन क्या हो, वहाँ पे जाके भी अपने साथ हो गई बीपी, मतलब आप सोच सकते हैं कि अपन जिधर भी जाए और ऐसा कुछ कांड ना हो तो उसका मीनिंग ही नहीं है ना। तो हो गया, उधर बोल रहे कि वो खाली कैप नहीं मिलता येलो कलर का, वो 10-20 वाला कैप नहीं मिलता, पूरा आपको इंडिकेटर का सेट मिलेगा, वो रहेगा 350 का। भाई उधर ही मेरा तो दिमाग ही हट गया, बोला एक कैप के लिए मुझे इंडिकेटर क्यों लेना है भाई, इंडिकेटर अगर टूट जाता तो ठीक था एक बार, बट इंडिकेटर वर्किंग है तो मैं क्यों लूँ। तो भाई मैं बोला नहीं लगाना इधर से, तो मैं गया बाहर लोकल शॉप पे ढूंढने के लिए, एक को बोला तो बोलता है सर मिलेगा मिलेगा, उसने 2 दिन लिया बट नहीं मिला, वो बाद में बोलता है सर पूरा सेट लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे दुकान ढूंढे, 2 दिन गए इसमें, और भाई फिर मैं गया फिर से शोरूम में, तो
देखते क्या हुआ फिर। तो भाई आज चौथा दिन है और इंडिकेटर वाला लफड़ा अभी भी चले और अपन शोरूम आए थे बट आज बंद है, सेल्स अलग सर्विस अलग, चलो घर। सो गाइस अभी अपन कोल्ड स्टार्ट पे डाल दिया है, भाई अपना गाड़ी लेके जा रहे हैं, इंडिकेटर डाल के देना भाई, ब्लॉग में आएगा तू। ये देखो कितनी सारी गाड़ी है, एक गाड़ी, इसका काम करना है, दो एक हफ्ता गया अभी तक नहीं हुआ है, कैसे करेंगे। सो फाइनली अपने हाथ पे नया वाला है, बस ये कांच के लिए अपने को रुकना पड़ा है भाई, अब ये लगाएंगे खाली इधर, बाकी कुछ नहीं लगाएंगे और इसको घर पे लेके जाएंगे और सजा के रखेंगे। भाई फाइनली काम कर रहे हैं भाई, इतना टाइम क्यों लगाते हो, एक हफ्ता लेते हो पूरा। एक स्क्रू पे अटकता है पूरा, ये देखो साला कोई ठोक के चला गया है, पैसे भी देके जाता तो भी हो जाता। ये कितनी से 330 का है भाई, बहुत महंगा है, संभाल के रखना पड़ेगा। ये उधर बस ये नया लग रहा है, मतलब ये वाला ही चाहिए अपन। भाई को बुलाए उसमें ऑयल डालने के लिए, बहुत जाम हो चुका है बारिश के कारण, और चेन को भी थोड़ा लूप करेंगे और फिर अपन निकलेंगे पेमेंट करके, पेमेंट भी करना है भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी, वही बहुत टुकड़े सब्सक्राइब कर देना, तुम आएगे ब्लॉग में आएगे तो ये अपना लूप करके दे रहे और ये लास्ट टाइम और अपना हो चुका है। थैंक यू भाई, भाई के लिए लाइक बनता है। तो जैसे कि आपने देखा कि अपन शोरूम गए, सर्विस सेंटर गए, बट वहाँ पे वो बंद था, मतलब ऐसे ही मेरे 3 या 4 दिन चले जा रहे थे, अब क्या करे। तो फाइनली वो दिन के बाद शोरूम वो सर्विस सेंटर को ओपन मिला मेरे को, तो वहाँ पे गया उधर लगवा लिया, वो दोस्त से लगवा लिया, बट उसके बाद इंडिकेटर छोड़ो दूसरा ही प्रॉब्लम चालू हो गया भाई, मतलब होना ही चाहिए, कांड पे कांड होते जा रहे, वो क्या हो गया देख लो आप आगे। तो देखो और एक प्रॉब्लम, उस दिन आए थे इंडिकेटर ठीक करने, अभी क्लच इधर से साला ऑयल लीक हो रहा है, अब मतलब एक हफ्ता हो गया लीक हो रहा है, अभी मेरे को अभी पता चला, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी अपन ने गाड़ी अंदर ला लिया है तरह हमारे इधर के कोपर करने वाले सर्विस सेंटर पे, यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऊपर से ऑयलिंग किया रहेगा, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। ऑयल लेवल चेक कर रहे और गाड़ी आ रही है अपनी गाड़ी। सो गाइस अभी बच चुके 11:23, तो प्रॉब्लम ये है यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, उसने यहाँ पे लूज़ किया था, इसका वॉल गया पता नहीं क्या है, वो उसको बताया तो बोलता है कि नहीं निकला है, अभी जाते फिर से देखते, पांचवें टाइम में अपन जा रहे हैं, होल्ड पे डाल दिया गाड़ी को, कोल्ड स्टार्ट होने तो फिर निकलते अपन। ओके तो गाइस अभी अपन जा रहे कोपर खेलने वाले रॉयल एनफील्ड के शोरूम और सर्विस सेंटर एक ही जगह पर, तो उधर ही जा रहे, मतलब 5 या 6 बार मेरा राउंड हो गया वहाँ पे, बट वो एक बार में कुछ ठीक करते ही नहीं, ऐसा सीन है, अभी देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। गणपति बापा से आशीर्वाद लेके देखते हैं आज तो हो जाए, बापा हो जाए आज तरी, तो अभी भाई को पिक करते यहाँ से और फिर निकलते। तो अभी अपन ये वाला प्रॉब्लम लेके आए हैं रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर कोपर खेलना, अभी देखते कितना टाइम लगाते हैं। अरे ये बघ ना इथून लूज झालं आहे, ये ना इथून पडते भाई, आम्ही पुसलं पण हे बघ ना ताजं निघते सारखं, नाही नाही ठीक आहे ना, ऑइल मारलेलं बट हे इथून निघतं, हे बघ ना किया, लेकिन अभी लीक हो रहा है, उसका इलाज करो, बस
स्लमी कपडे आणि अरे हे तर असं आहे बघ ना, आता पण निघतंय इथून हे बघ ना. अरे मला उद्या जायचंय बाहेर शूटसाठी, माझं शूट असतं. काल पण तू बोल एक तास थांबल्यापर्यंत थांबलो, त्यामुळे मी आता लवकर आलोय. बोललो दिवस लागेल चालेल पण आता होऊन जाईल. मला टाइम नाही ना, त्या टायमिंगला येतो मी. मला आजच केलं पाहिजे. अरे तुम्ही मेजर प्रॉब्लेमला तुम्ही हे करताय आता. मी असं पण आज आलो, तीन दिवस येतोय मी. तुम्ही मला हा इंडिकेटरला आलो, त्याच्यानंतर दोनदा आलो मी परत. कालच पहिल्यांदा आलो ते ऑइल लिकेजचं. परवा पण आलो मी, तुम्ही नव्हता इथे. कोण तुमचे कधीच मेकॅनिक नसतात कधी कधी. जुईनगरला जाऊ का, तिकडे होईल का माझं काम? चेक करून त्यांनीच इंडिकेटर टाकलं होतं ना. हा त्यांनीच, त्याला विचार ना त्यांनी काय केलेलं. ऑइल बोला की इथून नाही निघत, इथूनच निघते. इथून निघलं तर इकडे पडतं, इथून निघलं तर सगळीकडे जातं. येऊ ना इथून अजून पण हे निघतं. येऊ ना इधर का ये वॉल बिल कुछ रहता है क्या इधर? फिर से मत डाल, जला फिर से डाल. उससे डालने से कुछ नहीं, फिर से डालेगा पता भी नहीं चलेगा निकल रहे कि नहीं. वही मेरा भी गलती रहेगा तो अच्छा रहेगा. मेरा गलती नहीं रहे, पार्ट खोलने नहीं पड़े भाई. कल किधर था? कल भी आया था मैं. अच्छा खाना खाने. हाँ बोला वो लड़का ही नहीं जो था, उसी को पता रहेगा ना क्या किए थे अपन. सीधा कर गाड़ी, मतलब दो पहिए पे रख. ड्राइवर मेरा गाड़ी सीधा ही चलाता है. थैंक यू. कोणाला बोलावं?
तो जैसे कि आपने देखा वो जो सेकेंड प्रॉब्लम था वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं था, उसने ऑयल डाला था और वो ऑयल वहीं पे था, तो मुझे लगा था इंजन ऑयल लीक हो रहा था बट नहीं, खाली ऑयल ही था। तो उसने वो साफ करके दिया, फिर उसके बाद से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बस मेरे को रॉयल एनफील्ड से एक ही शिकायत है, वो एक पार्ट्स का एक दूसरे के लिए मेरे को पूरा लेना पड़ता है, वो मेरे को वर्थ इट नहीं लगता, वो लगता है लूट रहे हमको। और सेकेंड थिंग, सेकेंड वाला प्रॉब्लम अपने वजह से था, तो छोड़ो उसके कोई बात नहीं करते। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जो प्रोडक्ट इंडिकेटर का प्राइस पड़ा 325, एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं देना आपको, 325 ही देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, बहुत सारी बहुत मजेदार चीजें आने वाली है, अमेजिंग थिंग्स लाने वाले अपन, अलग अलग राइड प्लान स्टार्ट है, अभी से प्लानिंग चालू है। तो स्टे ट्यून्ड, से सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड स्प्रेड द लव, बाय। सांसें भरूं मैं बंद आगे।